हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम संजय अग्रवाल और आज का टॉपिक हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि आपके लाइफ में कोई पर्पोज है क्या, आपके लाइफ में कोई पर्पोज है। आज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर आपके लाइफ में कोई पर्पोज नहीं है तो ये लाइफ जो आप जी रहे हैं वो आपका कोई वर्थलेस है, मतलब आपको जीने का कोई मजा ही नहीं आएगा। मतलब आपका एक, अगर आपके लाइफ में कोई पर्पोज नहीं है और आपका कोई ड्रीम नहीं है, कोई सपना नहीं है, कोई गोल भी नहीं है, तो आपको लाइफ एक वर्थलेस लाइफ जी रहे हैं। तो आज ही आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या मेरे लाइफ में कोई पर्पोज है, क्या मेरे लाइफ में कोई पर्पोज है, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपको खुद को क्वेश्चन करना चाहिए, आज ये समय आ गया है, आज खुद को पूछना चाहिए। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब मैं किसी को भी ये पूछता हूँ कि आपके लाइफ में पर्पोज क्या है, पीपल से लोग कहते हैं कि मैं दूसरों की मदद करना और देश के लिए प्रेम करना, देश की सेवा करना और लोगों को खुश रखना और खुद खुश रहना। तो मैं ये यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि आप तो सब लोगों के लिए, देश के लिए, सबके लिए कर रहे हो, लेकिन आपके लिए क्या कर रहे हो? What are you doing for yourself? What are you doing for yourself? आज आपके लिए क्या कर रहे हो, खुद के लिए क्या कर रहे हो? आज समय आ गया है खुद को पूछने का, खुद को क्वेश्चन करने का कि खुद के लिए क्या कर रहे हो। What are you doing for yourself? 2 घंटे व्हाट्सएप, 4 घंटा खाना, 8 घंटा सोना, बस इज दिस लाइफ? ये क्या समय है? ये क्या समय है आपका लाइफ वेस्ट करने के लिए है, जो आप 4 घंटा खाना, 2 घंटा व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे मस्ती में ये सारा चीज आप टाइम स्पेंड करते हैं? बताइए आपको ये कितना, मतलब आप रिग्रेट फील करेंगे कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद। अभी ये समय आ गया है आपको खुद को चेंज करने का, खुद को बदलने का। अगर अभी नहीं बदलेंगे तो कभी नहीं बदलेंगे। तो मैं आपको कहूंगा कि जो आप कर रहे हो, जो आप करना चाहते हो, आज से आप सेट कर लीजिए कि जो पर्पोज है आपका लाइफ है, क्या पर्पोज आपका लाइफ में, क्या पर्पोज होना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक कोटेशन आपको बोलना चाहूंगा, विदाउट पर्पोज लाइफ इज वर्थलेस, विदाउट पर्पोज लाइफ इज वर्थलेस, विद पर्पोज लाइफ बिकम्स worth remembering, exciting and fulfilling। तो मैं आज आपको एक चीज बताऊंगा कि जो आपको पर्पोज आपके लाइफ में नहीं है, उस पर्पोज को बनाइए कि आपके लाइफ में आप करना क्या चाहते हो, दूसरे से क्या अलग हो, क्या आप एक्साइटिंग करने वाले हो, उसके बारे में सोचिए, कुछ नया करिए, कुछ यूनिकनेस लाइए अपने अंदर। तो अगर ये करते हैं तो आपका लाइफ एक मजेदार लाइफ बन जाएगा। तो मैं आपको कहूंगा कि आपके लाइफ में एक पर्पोज लाइए, पर्पोज के बिना आपके लाइफ बिकम्स वर्थलेस। मैं अगेन आपको दोहराना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं आपको तीन चीज आपको आपको लाइफ को पूरा बदल के रख देगा। तीन चीज को मैं फॉलो कीजिए और ये तीन चीज को अगर फॉलो करते हैं रेगुलरली और जो आपका टाइम शेड्यूल के अनुसार अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी कुछ समय बाद, कुछ सालों के बाद आप डेफिनेटली यू विल बिकम ए गुड सक्सेसफुल पर्सन। तो मैं तीन चीज आपको शेयर करना चाहूंगा। तो पहला मेरा चीज है जो आपका सेट ए गोल। तो पहला पॉइंट क्या है आपका सेट ए गोल? तो गोल आपको सेट करना है, आपको करना क्या है, आपको दुनिया में आए क्यों हो? सब एक दिशा में भाग रहे हैं और आप उसी दिशा में भाग रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? आपको आपको यूनिकनेस लाना है आपके अंदर, छुपी हुई टैलेंट को, पोटेंशियल को डिस्कवर करना है, उसको फाइंड आउट करना है, उसके ऊपर काम करना है। आज मैं आपको कहूंगा कि जो आपका पोटेंशियल है, जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, उस पर काम कीजिए। सपोज मैं आपको ये चीज मैं आपको एक स्टोरी देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सपोज आप एक घर से निकलने के बाद आपको पता नहीं है आपको कहाँ जाना है, अब कहाँ जाओगे? यहाँ वहां भटकते रहोगे, यहाँ wondering, hearing, staring and stalling। So, आपका क्या हुआ यहाँ पे? इधर उधर आप हो गए, उसके बाद आप डायरेक्टली आप घर में लौट आए। तो अगर आपका एक डेस्टिनेशन होगा, आपका अगर कोई मतलब टारगेट पॉइंट होगा, एम होगा, तभी तो वहां पे पहुंचोगे ना। तो अगर आपके पास कोई टारगेट नहीं है, जैसे कि आप ट्रेन में जाते हो, अगर ट्रेन स्टेशन में जाके बोलोगे कि मेरे को ट्रेन टिकट काटना है और मैं भुवनेश्वर से जाऊंगा, मेरे को पता नहीं कहाँ जाऊंगा, तो जो टिकट काउंटर में टिकट काटने वाला बैठा है ना, आपको गाली देके भगा देगा। क्योंकि हमको एक डेस्टिनेशन चाहिए, हम कहाँ पे जाएंगे। तो हमारे दिमाग में एक माइंडसेट होना चाहिए, एक थॉट प्रोसेस हमको ऐसा बिल्ड करना चाहिए कि हम घर से निकल रहे हैं लेकिन कहाँ पे जाना है,
टिकट काटेंगे, कहाँ पे जाएंगे हम? तो उसी तरह हमारी लाइफ जो है, हम इतने बड़े हो गए हैं, अभी हमको जाना कहाँ है, आपको सेट करना है, आपको गोल सेट करना है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ गोल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और गोल कैसे सेट करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आप एक गोल सेट कीजिए, आप बनना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, या सपना क्या है, आपको लाइफ में करना क्या चाहते हैं, इस सारे चीज को आपको दिमाग में आपको सेट करना है, आपको थॉट प्रोसेस लाना है, आपको माइंड सेट करना है कि मेरे को ये करना है, मेरे को डांसर बनना है, मेरे को सिंगर बनना है। तो आपका क्या है, आपका राय क्या है, मेरे को बताइए आप क्या बनना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर। जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका पॉइंट है, मैं आपको कहूंगा कि आपका सेट ए न्यू हैबिट। आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको बिल्ड ए न्यू हैबिट, मतलब आपका कुछ हैबिट ऐसा बनाना चाहिए जो आपको जो करियर आप चूज कर रहे हैं उस पर आपको काम आएगा। जैसे कि मैं आपको कहूंगा कि सुबह जो आपको उसका टाइम में चेंजेस कीजिए, थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, आप कुछ बुक्स पढ़िए, आपका जो काम आप बनना चाहते हैं उस पर काम कीजिए। मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपका हैबिट्स है उसको मतलब डिफरेंट करके कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, और कुछ नया हैबिट्स, नया चीजें सीखते रहिए। अगर जितना भी आप सीखेंगे, जितना भी आप बार बार सीखते रहेंगे तो एक दिन क्या होगा, जो आप जो प्रोफेशनल में आप बनना चाहते हैं, एक दिन आपका वो प्रोफेशनल आपका परफेक्ट हो जाएगा, ताकि आपको कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। तो मैं आपको कहूंगा कि जो आप जो बनना चाहते हैं उसके लिए उसका एक नई हैबिट बनाइए, और जो भी उसके रिक्वायरमेंट होता है, जो भी आप करना है, एक नया हैबिट बनाइए। रीडिंग बुक्स, लिसनिंग सॉन्ग्स आप सुनते हैं, बहुत सुनते हो मैं तो जानता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, रीडिंग बुक्स ये वेरी गुड हैबिट जो है, आपको ये बिल्ड करना है। आपको मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिलेबस पढ़ना है, आपको कोई मतलब आपके पढ़ाई का स्टडी बुक नहीं पढ़ना है, डिफरेंट बुक्स पढ़ना चाहिए, ऑटोबायोग्राफी पढ़ना चाहिए, बायोग्राफी पढ़ना चाहिए लोगों का, सक्सेसफुल लोगों का। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको एक्सेस पॉइंट मिलेगा, रेफरेंस पॉइंट मिलेगा आपको आपके गोल पे पहुंचने के लिए। तो मैं आपको कहूंगा कि आपको कुछ ऐसा हैबिट्स आपको चूज करना चाहिए, ऐसा हैबिट कुछ बिल्ड कर दीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में वो आपको रेफरेंस पॉइंट मिले आपको सक्सेसफुल बनने के। तो पहला पॉइंट मैंने आपको कहा कि गोल बनाइए, आप बनना क्या चाहते हैं। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताया कि आपको एक नए हैबिट बनाना चाहिए, जो आपको हैबिट बनाएंगे, जो हैबिट नए हैबिट मतलब जो आपको सक्सेसफुल बनने में काम आएगा, उसी तरह हैबिट बनाना, और जो इधर उधर की हैबिट मन बना देना जो आपको लाइफ में डिस्ट्रक्शन की तरफ आपको ले जाएगा, फेलियर की तरफ ले जाएगा। मैं आपको कहूंगा कि जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा, जो आपको करना चाहिए उसी हैबिट को बिल्ड कीजिए, ताकि आप मतलब सिगरेट्स और गुटखा लाइक दैट नो नीड टू डू दैट। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज दैट हम अपनी फैमिली को, हमारे टीचर्स को, हमारे फ्रेंड्स को, सबको हम टाइम देते हैं मोबाइल में, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप, फेसबुक, सेल्फीज, तो हम सारे जगह में टाइम देते हैं, लेकिन एक जगह हम टाइम देने में भूल जाते हैं, हम खुद को टाइम नहीं देते हैं। सबसे अच्छा आपका फ्रेंड कौन है पता है, आपका खुद हो, योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ। तो आप खुद का सबसे बेस्ट फ्रेंड हो, अगर खुद के लिए एक मिनट भी नहीं देते हो तो आप लाइफ में जियोगे कैसे। तो मैं आज आपको कहूंगा कि आपको सफिशियंटली आपको खुद को टाइम दीजिए, उस खुद को टाइम देने के मतलब जो आप दे रहे हैं उस टाइम पे आपको एनालाइज कीजिए, जो मैं टाइम दे रहा हूँ उसमें क्या क्या कर सकता हूँ, कि मैं जो लाइफ में कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, खुद को पूछिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और मेरे को क्या करना चाहिए, और मेरे में कौन सा ऐसा वीकनेसेस है जो मेरे को बिल्ड करना है, क्या मेरा स्ट्रेंथ है उसको और भी बिल्ड करना है, ताकि फ्यूचर में उसको और भी मजबूत हो जाए। तो इस वीडियो में आपको तीन चीज बताया हूँ, जैसे कि आपको फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया है सेट ए गोल, आपको गोल सेट करना है, और सेकंड पॉइंट में आपको बताया है कि आपको एक न्यू हैबिट को बिल्ड करना है, और थर्ड पॉइंट मैंने आपको बोला कुछ समय आपको देना है ताकि आपको एनालिस करने के थोड़ा समय मिले। और इस वीडियो के साथ मैं आपको ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे पावरफुल वीडियोज को नेक्स्ट टाइम देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिल जाए। और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट निश्चय कीजिए, और ये हमारा फेसबुक पेज है उसको लाइक कीजिए। मैं हर रोज पोस्ट डालता हूँ, कोटेशन डालता हूँ मॉर्निंग एंड इवनिंग में, और हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट को भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी कोटेशन एंड आर्टिकल्स डालता रहता हूँ। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मैं रहता हूँ जय।